क्या नाम महाराज जी आपका? जय श्री राम, मेरा नाम है बवंडर बाबा। बवंडर बाबा जी, महाराज जी कितने साल के हैं आप? 40 वर्ष मेरी आयु है रनिंग। अच्छा, 40 वर्ष के हैं आप? हाँ जी। महाराज जी इस बाइक पर क्या कर रहे हैं आप? मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर, 3 इयर्स की यात्रा, 1 लाख किलोमीटर, 3 साल की। 1 लाख किलोमीटर महाराज जी? हाँ जी, 1 लाख, उसमें 74% यात्रा पूर्ण हो चुकी है राम जी की कृपा से। अरे वाह महाराज जी। तो महाराज जी कितने राज्य आपने कर लिए अभी तक? 25 राज्य मैंने ये यात्रा में करके आ गया हूँ, 74,500 किलोमीटर चला। 25 राज्य आप कम्प्लीट कर चुके हैं? 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम इससे हो चुका है ऑलरेडी। महाराज जी आपका नाम बाबा बवंडर क्यों है? बाबा बवंडर इसलिए नाम रखा गया है कि मैं लंका को, जैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उसी तरह विधर्मियों को मैं आग के अंदर लपेटूंगा, बवंडर के अंदर। अरे वाह, आग ना पाए वो कहीं भी। अच्छा, आग का बवंडर मचाना है जी विधर्मियों के लिए। जी महाराज, धर्म के जितने भी विधर्मी है सबको आग के बवंडर में घोलना है। अरे वाह महाराज जी। महाराज जी आपके पैरों में चप्पल नहीं है? ये इसलिए चप्पल नहीं है, इस गाड़ी को मैंने सनातनी गाड़ी बनाया है और इसकी मैं इज्जत के लिए चल रहा हूँ। अगर मैं चप्पल पहन के चलाऊंगा तो अपमान हो जाएगा। जी जी। तो मैं जब सम्मान के लिए चल रहा हूँ तो मैं अपमान कैसे? महाराज जी आप सोते कहाँ हैं? और मेरा सोने का रहता है धरती का बिछोना, आसमान ओढ़ के सोता हूँ मैं। अधिकांश पेट्रोल पंप पे मेरी रात्रि का विश्राम रहता है। अरे वाह महाराज जी, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा आप क्यों कर रहे हैं ये बताइए अब जी। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम इसके 2 उपदेश है। पहला उपदेश है, 2024 में प्रभु प्रवेश कर रहे अयोध्या जी में मकर संक्रांति को, तो समस्त राम प्रेमी प्रभु प्रेमी आमंत्रित है, मैं सबको आमंत्रित करने आया हूँ, यात्रा का पहला उपदेश। दूसरा उपदेश है, भारत देश में अखबार न्यूज़पेपर छपता है जिसकी वन डे की लाइफ होती है, नेक्स्ट डे वो कचरा पेटी डस्टबिन में जाता है, उसमें हिंदू देवी देवता के चित्र फोटो होते हैं। जी महाराज। उसके बाद में बीड़ी पे, माचिस पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, ग्रीटिंग कार्ड पे हिंदू देवी देवता के चित्र फोटो होते हैं, वो कचरा पेटी डस्टबिन में जाते हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है। बिल्कुल होता है। इस अपमान को बंद करने के लिए अपील अनुरोध चल रहा है पूरे भारत के अंदर, चारों स्तंभ से, न्यायालय से, शासन से, प्रशासन से, असंवैधानिक स्तंभकार मीडिया से और जनता से कि सनातन धर्म का अपमान बंद करे। 3 साल 1 लाख किलोमीटर करके अगर ये सब बंद होता है तो सबको धन्यवाद है, अन्यथा इन सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको बंद कराना है और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सनातन धर्म के सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। ये यात्रा का बहुत सुंदर महाराज जी। हिंदुओं के लिए कुछ कहना चाहोगे? धर्म के लिए जाना चाहूंगा हिंदुओं के लिए कि आपका घर, आपका परिवार, आपका मकान, आपकी गाड़ी घोड़ा जब ही रहेगा जब आपका देश धर्म रहेगा। बस आपका देश ही नहीं, धर्म नहीं तो आपका घर परिवार कहाँ? विधर्मी तो आपके घर और परिवार पे कब्जा करने के लिए जनसंख्या का विस्फोट कर रहे। महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, एक श्लोक भी है, एक मंत्र भी है, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म रक्षा करेगा। जी जी जी। आपने जटाएं वगैरह नहीं कटवाई थी? ये जो स्वरूप है ये 25 माह का है। मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था जी, अयोध्या जी में भूमि पूजन का साक्षी बना जी, मेरा मन परिवर्तित हो गया, मैंने शादी नहीं की थी, 5 महीने में छोटा इंदौर मध्य प्रदेश का जन्म स्थान जी, और मैं सनातन धर्म के लिए आ गया। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। बिल्कुल। तो अपने देश धर्म के लिए, अपने लिए, अपने घर से निकलो, घर से निकलो और यात्रा उठाओ, कहीं तो पूछोगे आप। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस वीडियो को धर्म के लिए महाराज जी की आवाज को पहुंचाइए जन जन तक, करोड़ों अरबों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो सके। महाराज जी ने गुटखा पानी पर जो उद्देश्य है इनका, उसके लिए मुहिम चला रखी है और राम मंदिर के लिए आमंत्रित भी दे रहे हैं महाराज जी जन जन तक जाकर के। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।